नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं देवेंद्र पटेल। पूरे देश में कोरोना महामारी किस कदर फैली हुई है, इससे भली भांति सभी लोग अवगत हैं। देखा जाए तो कोरोना संक्रमण के मामले इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तेज़ी से संक्रमण बढ़ रहा है उतनी ही लापरवाही भी देखने को मिल रही है। एक साल पहले जब चाइना से कोरोना ने भारत में दस्तक दी तो लोग सहमे हुए थे। इस अदृश्य शक्ति से लड़ने के लिए केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ही नहीं बल्कि पूरी केंद्र सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी थी। अचानक बीते वर्ष 25 मार्च को केंद्र सरकार ने भारत में लॉकडाउन लगा दिया। धीरे धीरे इसे लेकर एक नई खुशखबरी भी सामने आई कि कोरोना की जो वैक्सीन है वो तैयार हो गई है। चिंता की बात नहीं है, लेकिन कोरोना वैक्सीन की डोज लेने के बाद भी कई लोग फिर से कोरोना की चपेट में आए। देश भर में कोरोना अस्पताल बनाने का दावा किया गया, कोरोना की रफ्तार भी कम हो गई, लेकिन एक बार फिर कोरोना अटैक ने कई लोगों की जिंदगियां ली ली हैं। कई लोग अपने जीवन से अलविदा कह चुके हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि मौत की वजह वायरस को मानी जाए या फिर अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को। मैं ऑक्सीजन की कमी का यह दावा इसलिए कर रहा हूँ, या मैं यूं कहूँ कि इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि बीते कई दिनों से ये समाचार, ये कुछ न्यूज़ सामने आ रही हैं कि फला अस्पताल में ऑक्सीजन ना होने से इतने लोगों की मौत हो गई, कई लोग स्वर्गवासी हो गए। इसके बाद भी अस्पताल संचालक इसका खंडन करते हैं कि कोई कमी कहीं पर भी नहीं है, लेकिन फिर कुछ निजी अस्पताल के डॉक्टर प्रशासन से ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह को मौत का कारण मानते हुए एक वीडियो भी जारी कर देते हैं। आखिर ऐसा क्यों? सवाल कई हैं लेकिन जवाब सब दे देते हैं, लेकिन संतोषजनक कितने रहते हैं सभी जानते हैं। खैर, हम भी कोरोना की आज हमारी इस विशेष चर्चा में बात आगे बढ़ाने से पहले हमारे जो मेहमान हैं उनसे मैं आपको रूबरू कराऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं एक छोटा सा एक वीडियो हमारे दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। ऑक्सीजन की उपलब्धता, क्योंकि बेड्स तो मिल जाए लेकिन ऑक्सीजन चाहिए, उस पर हम निरंतर ध्यान दे रहे हैं। 8 अप्रैल को हमारे पास ऑक्सीजन की उपलब्धता 130 मीट्रिक टन थी, 9 अप्रैल को बढ़ के वो 180 मीट्रिक टन हुई, 12 अप्रैल को वो बढ़ के 267 मीट्रिक टन हुई। ऑक्सीजन की अभी कल में आंशिक सुधार है, स्थिति जैसे की तैसे आंशिक ऐसे ही कि वहां पे हमारे अभी ठीक है, पर्याप्त सिलेंडर है, यहाँ लगे हुए हैं। अभी इमीडिएट कोई भी सिलेंडर खत्म होता है तो हमारे पास व्यवस्था भी नहीं है। कल सुबह एक, दोपहर में 4, 5 मौतें कल वहां हुई है और एक यहाँ हुई है, 6 मौतें हुए हैं 2 दिन में ऑक्सीजन की। हाँ, और ये अमूमन हर निजी नर्सिंग होम में होगा, आप हर जगह पता कर लीजिए। शासन प्रशासन के भय से खुल के कोई बोलना नहीं चाह रहा है, मगर स्थिति ये कह रहे हैं कि हम उपलब्ध करा रहे हैं, तो पिछले 7 दिन में कहीं कोई गैस सिलेंडर हमारे यहाँ नहीं आया ना डीलर। ये यथास्थिति है, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दावा करते हैं, और एक निजी अस्पताल का एक पीआरओ जनसंपर्क अधिकारी ये बताता है कि ऑक्सीजन की कैसे कमी हुई, कैसे किल्लत हुई। पर डे के करीब 90 सिलेंडर जो हैं ऑक्सीजन के अस्पताल में लग जाते हैं, पूर्ति कितनी होती है। खैर, इन्हीं इसी तरह के कोरोना से जुड़े कई प्रकार के सवाल जवाबों का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, या यूं कहूं कि कुछ अच्छे और कुछ चुभते हुए सवालों के साथ आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे मैं आपका रूबरू कराता हूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी हैं, जो कि कोविड एडवाइजरी कमेटी के सदस्य हैं, और साथ में हमारे साथ जो हैं डॉक्टर नवीन आनंद जोशी हैं, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, पुणे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश से बाहर हैं, और साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे साधना न्यूज़ के एडिटर इन चीफ डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और सबसे पहला सवाल मैं यहाँ पे, हमारे साथ डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा, सर स्थिति से आप भी अवगत हुए कि
युवा नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है, अर्थव्यवस्था के बुरे हालात हैं, संक्रमित होने का डर हमें तनावग्रस्त कर रहा है और हम खुद को भ्रम और चिंता में घिरा हुआ पा रहे हैं और शरीर में ये रिएक्शन बार बार होता है। आप डॉक्टर हैं, आप भली भांति जानते हैं। इन सब का असर कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पर या हमारी मानसिक स्थिति पर नहीं पड़ रहा है आपकी नज़र से? बिल्कुल, ये स्वाभाविक है। कोई भी ऐसी विपदा आती है तो मानसिक तौर पर इसका इफेक्ट आना बिल्कुल स्वाभाविक है, होता है, और डायरेक्टली डायरेक्टली हमारे फिजिकल एक्टिविटी उस पर भी फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे इसमें हमें सबको मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए अपनी मानसिक स्थिति को संभाल के रखना है और शारीरिक तौर पे हमें भी तंदुरुस्त रहना है, ये सोचते हुए आगे बढ़ना है। बिल्कुल, जवाब का सिलसिला हम आपसे आगे ज़रूर बढ़ाएंगे, लेकिन मैंने प्रोग्राम की शुरुआत के पहले एक छोटा सा वीडियो मैंने दिखाया था जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने आज ही ये दावा किया है कि ऑक्सीजन की कमी शुरुआत में कितनी थी, लगातार वो बढ़ते बढ़ते आज की डेट में बहुत अधिक है। उसके बाद एक वीडियो हमने दिखाया कि एक निजी अस्पताल का जो एक वहाँ के एक जनसंपर्क अधिकारी हैं वो ये वीडियो जारी कर बताते हैं कि क्या स्थिति है अस्पतालों में ऑक्सीजन को लेकर के। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ शिशिर उपाध्याय जी हैं। बीते दिनों कई प्रकार की चर्चाएं कोरोना को लेकर उन्होंने की हैं, दर्शकों तक पहुंचाई हैं। हमारा भी उद्देश्य ये नहीं है कि हम चर्चा कोरोना संबंधित करें या किसी पर टिप्पणी करें, लेकिन यथा स्थिति ऐसी है कि सरकार को भी अवगत कराना हमारा उद्देश्य है। शिशिर जी, मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, आपने भी देखा शिवराज जी के दावे और निजी अस्पताल की सच्चाई, बताइए क्या कहेंगे? देवेंद्र जी, अभी डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी ने जो बात कही है बिल्कुल सच्चाई है, और मुझे लगता है कि बहुत देर कर दी एक जो है हुजूर, बहुत देर कर दी आते आते। मुझे लग रहा है कि सरकार, शायद ऐसा अंदाजा नहीं था सरकार को कि ये हालात हो जाएंगे, जो स्थिति ये पहली जो लहर आई थी उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि डॉक्टर अभिजीत देशमुख और डॉक्टर नवीन आनंद ज्योति स्वयं इसको बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। पूरे देश में जो हालात है उसमें भोपाल में या मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने ये बिल्कुल कहा, लेकिन नौकरशाह कितनी सच्ची जानकारी देते हैं यह भी मुख्यमंत्री जी को पता है। अगर ऐसा हो रहा है तो जबलपुर में या इंदौर में या ग्वालियर में या भोपाल में ऑक्सीजन की कमी से मरने वालों की तत्काल जांच कराना चाहिए। कि भंडार है माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन लोगों ने, नौकरशाहों ने वो स्लिप पे लिख के दिया है कि इतने मैट्रिक टन है, तो फिर भोपाल में ये गलत र्यूमर क्यों फैल रहा है आम आदमी के बीच में? गलत जानकारी, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि रात दिन लगे हुए हैं, वो सवेरे से लेके शाम तक बेचारे दमोह जाके प्रचार करके आते हैं, उसके बाद फिर कोरोना की मीटिंग लेते हैं, फिर चुनाव में सभा करने जाते हैं, फिर कोरोना की मीटिंग लेते हैं, बेचारे रात दिन लगे हुए हैं, उन्हें उधर भी देखना है इधर भी देखना है, तो वो कहीं ना कहीं सत्याग्रह पर भी बैठे रहे। लेकिन आज की स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी जो चाह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं नौकरशाह उतनी मदद नहीं कर पा रहे हैं, और नौकरशाह अगर मदद नहीं कर रहे हैं तो अकेले मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे? तो इसमें जैसी अभी डॉक्टर साहब ने कहा, मुझे लगता है देवेंद्र जी हालात बहुत बदतर हैं मध्य प्रदेश नहीं देश भर में। लाते आपको आश्चर्य होगा कि ये आपका रिकॉर्ड बात कहते हैं लोग हम लोगों से, क्योंकि सामने नहीं कह सकते हैं वो, लेकिन आपकी जानकारी में भोपाल में कई दर्जन मौतें सिर्फ ऑक्सीजन की कमी के कारण हो गई हैं। वो वजह जो हो सकती है कि उस अस्पताल में ऑक्सीजन थी नहीं, उसको जब अटैक आया कोरोना का, उस अस्पताल में ये व्यवस्था पहले से थी नहीं, वो अनजाने में किसी गलत अस्पताल में पहुंच गए, लेकिन हालात बहुत खराब हैं और सरकार एक्शन में आई है। सरकार ने लेकिन बहुत देर कर दी हुजूर एक्शन में आते आते। मुझे ऐसा लगता है देवेंद्र जी कि आज भी हमारे यहाँ एक साल हो गया है इससे लड़ते लड़ते, लेकिन आज भी संसाधन की कमी नजर आ रही है। ये कहते जरूर है, जैसी लिस्ट अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताई ना, ऐसी लिस्ट तो वार्डों की भी आ रही है कि हमारे पास बेड की कमी नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि भोपाल में कल लगभग 70% लोगों को घर में दवाई खा के घर में रहने का आश्वासन दिया गया है कि आप घर पे रह के ज्यादा ठीक हो सकते हो, क्योंकि अगर आप गंभीर स्थिति में नहीं है तो अस्पतालों में जगह नहीं है, कृपया ना आए, ये हर अस्पतालों में है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने प्रयास शुरू किए हैं लेकिन बहुत देर से किए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता हो सकती है, माननीय मुख्यमंत्री जी जुटे रह सकते हैं, लेकिन बाकी लोग उतना साथ नहीं दे रहे। जनता को भी साथ आना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को भी साथ आना चाहिए, और इन नौकरशाहों को भी साथ आना चाहिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी को गलत जानकारी देते हैं। देवेंद्र जी,
बिल्कुल, बहुत देर कर दी सोचने में, जैसा कि आपने कहा। मैं आपसे ही फिर एक सवाल मेरे मन में ये अभी उठ रहा है कि आज दिन भर का एक घटनाक्रम में कुछ ऐसा हुआ है कि किसी एक अस्पताल की कुछ मृत्यु के आंकड़े जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल किए गए, और नौकरशाह जो हैं, या यूं कहूं कि सरकार जो है, उसके बाद एक बयान जारी होता है कि जो सोशल मीडिया पर अगर इस तरह की भ्रामक जानकारी अगर कोई उजागर करता है तो आईटी एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन शमशान से जो आंकड़े सामने आते हैं, जो चीज़ सामने आती है और जो सरकार दिखाती है कि आज दो लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई, शमशान कुछ और कहता है, शमशान के आंकड़े कुछ और कहते हैं, लेकिन इसके बाद अगर कोई व्यक्ति उन आंकड़ों के जरिए अगर सोशल मीडिया पर पब्लिक को ये दिखाने की कोशिश करता है, हालांकि उसका भी उद्देश्य ये नहीं होता है कि लोगों में भ्रम फैलाए, लेकिन उस भ्रम की हकीकत क्या रहती है वो भली भांति जानता है, और ऊपर से फिर सरकार ये कहे कि अगर इस तरह की जानकारियां कोई सामने लाता है तो फिर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, इसको कितना सही मानते हैं शिशिर जी आप? होगा, मैं आपके राजधानी से 200 किलोमीटर दूर एक डिस्ट्रिक्ट की आपको बात बताऊं, वहां चुनाव चल रहे हैं, आपका रिकॉर्ड वहां के आंकड़े वहां बताया गया है कि 20-25 से ज्यादा बताना ही नहीं है कि कोरोना पेशेंट है, जबकि हालात वहां पर देवेंद्र जी 300-400 प्रतिदिन निकल रहे हैं, उस शहर में केस निकल रहे हैं, और ये स्थिति यहां पर भी कंट्रोल पूरी तरह से। सरकार क्या करती है, सरकार के दिखाने के दांत कुछ और होते हैं, खाने के दांत कुछ और होते हैं। बिल्कुल सच्चाई है कि सरकार ये नहीं चाहती है कि भयावह स्थिति हो, लेकिन इतनी नैतिकता तो हो कि अगर 100 मौतें हो रही हैं और आप ये कहते हैं कि हमारी लिस्ट में एक मौत कोरोना से हुई है, तो बाकी कैसी मौतें हुई हैं? अगर ये कब्रिस्तान में, शमशान घाट में ले जाके ये जो 100-100 लोगों को अंतिम संस्कार किया जा रहा है, तो सरकार को ये तो स्पष्ट करना चाहिए कि ये हार्ट अटैक से मरे हैं, कोई दूसरी बीमारी से मरे हैं। अगर ये कोरोना से नहीं मरे हैं तो भी इतनी अधिक मौतें, आपको आपका रिकॉर्ड नगर पालिका के सीएमओ लोगों ने कलेक्टरों को और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में चिट्ठी भेजी है, उन्होंने ये लिखा है कि आप तत्काल लकड़ियों की कमी है, इस राजधानी में लकड़ी खत्म हो गई थी, भोपाल शहर के कई भदभदा से लेके और जो दूसरे विश्राम घाट है, छोला विश्राम घाट पे और ये सुभाष नगर विश्राम घाट पे लकड़ियां कम पड़ गई थी देवेंद्र जी। तो ये कहीं ना कहीं या तो वो आंकड़े गलत है या यहाँ पर लोग जो बता रहे हैं, लेकिन लाफे झूठ तो नहीं बोलेंगी ना देवेंद्र। और उसके बाद भी फिर आईटी एक्ट में एफआईआर करने की बात सामने आती है तो आदमी भी फिर उस चीज से बचता है। खैर जी 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 देवेंद्र जी, 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 जी। बिल्कुल शिशिर जी, और साथ में अब मैं यहाँ से मध्य प्रदेश से बाहर निकलकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर नवीन आनंद जोशी। नवीन जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा कि जो स्थिति अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश की है, आप शायद जो मुझे जानकारी, आप नोएडा से हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, क्या स्थिति है आपके यहाँ पर भी कोरोना से? और हेलो, हाँ जी हाँ जी, और जो दृश्य इस समय महाराष्ट्र के हैं, जो हालात और जो स्थितियां यहाँ की है, ये तो बेहद भयावह है ही, लेकिन जब मुझे मध्य प्रदेश पे अपडेट होता है, सूचनाएं मिलती है, तो मैं वाहन में अंदर तक मतलब जरूर सांप रही है कि आखिर क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में, जहाँ शमशान घाट में जगह नहीं है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है। और मैं साधना चैनल को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपको ध्यान होगा, पिछली एक इसी तरह की हमने डिबेट रखी थी जिसमें आदरणीय डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी ने और हमारे मीडिया के कुछ साथियों ने विषय उठाया था कि आखिर स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है और जिलों में प्रभारी मंत्री क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, या मुख्यमंत्री जी अकेले पूरा कोविड को संभालने का सारा जतन क्यों कर रहे हैं। तो उसके बाद से सरकार ने उस बहस को देखा है, उनके लोगों तक ये बात पहुंची है, उसके बाद से आपने देखा होगा कि प्रभारी मंत्रियों की एक तैनाती हुई है, उन्हें जिलों में भेजा जा रहा है ताकि वो एक कोविड को लेकर के थोड़े संजीदगी दिखाए। आप देखिए कि एक वर्ष हो गया है, अब कोविड एक कोई नया स्टेज जरूर नया है, लेकिन चूंकि प्रक्रिया वही है, उसी तरह से हमको आगे बढ़ना है। क्या वजह है कि हम एक साल पहले जो तैयारी हमारी थी वो अधूरी रह गई है, और आज जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो इस बात पे आश्चर्य होता है कि जिस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने दावा किया था कि हमें किसी अन्य राज्य से ऑक्सीजन न लेना पड़ेगा, आज हमें
कभी नागपुर से ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए बात करना होती है, कभी गुजरात से मदद मांगते हैं। आखिर हम अपने वादों पर या अपने जो बेसिक जरूरतें जिसके लिए कोविड को लेकर कहा था कि ऑक्सीजन से सर्वाधिक डेट हो रही है, जिनको ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पा रही है, आज जिस हॉस्पिटल का चर्चा चल रही है, अब आप बताइए कि हम ऐसी बहस करते हैं या ऐसे मुद्दे लेके आते हैं, सरकार डरा रही है कि साहब चर्चा मत करिए। अब जब आंकड़े सही नहीं आते हैं, जब आंकड़ों में फेर होता है, तभी तो सोशल मीडिया पे गलत चीजें आती हैं। सोशल मीडिया की गलत बातों को रोकने के लिए या उनके उनके भ्रम को रोकने के लिए सरकार को सत्य बोलना पड़ेगा। सरकार को किसी भी तरह के आंकड़े नहीं छुपाने चाहिए। यदि मौतें हो रही हैं, जिस स्थिति में है जो है, एग्जैक्ट आंकड़े देना चाहिए। कलेक्टरों का दबाव मीडिया पर हो या सोशल मीडिया पर हो, मैं इसके हमेशा इसके विरोध में रहता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि यदि आप सही जानकारी नहीं देंगे तो मीडिया गलत जानकारी दिखाएगा। सरकार को प्रतिदिन अपना एक बुलेटिन जारी करना चाहिए और हर जिले में होना चाहिए। हर जिले का कलेक्टर अपने फिगर बताएं, मौतों का आंकड़ा बताएं, ऑक्सीजन की स्टेटस दिखाएं, कितना ऑक्सीजन का जरूरत है, कितना आ चुका है, हॉस्पिटल के क्या है। आखिर कोई सिस्टम है, सरकार एक व्यवस्था का नाम होता है, और यदि इस तरह से चल रहा है कि कहीं ऑक्सीजन खत्म हो रही है, कहीं लकड़ियों की कमी है, मुर्दे नहीं जल पा रहे हैं, आखिर बताइए समाज में मानवीयता नाम की चीज बची है नहीं बची। और सरकार का काम तो पहला ही होता है कि मानवीयता के साथ व्यवस्थाओं को संपादित करें, संचालित करें। नवीन जी, बिल्कुल आपने मीडिया का जिक्र किया। मीडिया जो सरकार दिखाती है, मीडिया उसको भी दिखाता है, लेकिन मीडिया का भी ये दायित्व है कि एक रियलिटी चेक करना भी एक जरूरी होता है। और यही कारण है कि कोरोना संबंधी सरकार जो भी आंकड़े दिखाती है वो पब्लिक तक मीडिया अपना काम करके वो पहुंचाती है, साथ में एक रियलिटी चेक करते हुए उसकी जमीनी हकीकत भी लोगों तक पहुंचाई जाती है। खैर नवीन जी, जैसे कि मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर के प्रभार के जिले मंत्रियों को बांट दिए गए हैं, आपके महाराष्ट्र में भी क्या मुख्यमंत्री ने भी इस तरह का कुछ निर्णय लिए हैं जो उनके मंत्रियों को कुछ प्रभारी मंत्री बनाए गए हों या मंत्रियों को जवाबदारी दी गई हो? देखिए, मध्य प्रदेश के जो हालात हैं उससे ज्यादा खराब हालात महाराष्ट्र के हैं, ये बात सच है। और यहाँ पर वही स्थिति दोहराई जा रही है, क्योंकि जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ तो कई दलों को उनको समझौते करके चलाना पड़ता है। इसलिए भाई कांग्रेस को भी राजी रखना है, शिवसेना को भी राजी रखना है, और विपक्ष यहाँ पर काफी सशक्त है भारतीय जनता पार्टी के रूप में। तो जो व्यवस्थाओं की बात हो रही है वो बेहद संजीदगी के साथ और फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, और मौतों का सिलसिला भी यहाँ ज्यादा है। रोज मरीजों की संख्या हजारों में निकल रही है। पुणे जैसे शहर में 2000-3000 मरीजों का संक्रमण निकलना अपने आप में भयावह स्थिति का चित्रण करता है। और खासकर वो राजधानी, औद्योगिक राजधानी मुंबई, वहां पर यदि लॉकडाउन की स्थिति होती है तो आप समझ सकते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश का मजदूर किस तरह से बेतहाशा उनके यहाँ से जाने का सिलसिला शुरू होता है। ट्रेनों में जगह नहीं होगी, आप समझ सकते हैं। वो मार्च याद करिए 2020 का, वो सिलसिला यदि मार्च 2021 अप्रैल 2021 में देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब ये कि चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो या महाराष्ट्र की सरकार हो, उन्हें जनता की सेहत के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए उनको ऐसी महामारी से बचाने का ही दायित्व तो है। और अभी यहाँ पर इस तरह के प्रभारी मंत्रियों का सिस्टम उन्होंने नहीं किया है, लेकिन यहाँ पालक मंत्री बोला जाता है प्रभारी मंत्री को, और पालक मंत्रियों के जिम्मे जिले दिए हुए हैं, और हालात काफी कुछ नियंत्रण में है। लेकिन यहाँ पर एक सप्ताह पहले से शाम को 6 बजे से सारा शहर बाजार बंद कर दिए जाते हैं और सुबह 6 बजे तक बाजार नहीं खुलते हैं, तो ये एक लॉकडाउन है। लेकिन लॉकडाउन इसका इंतजाम करने के मतलब लॉकडाउन इसका हल नहीं है। हमारा ये माना जा रहा है कि यदि लॉकडाउन लगा दिया तो समझ लीजिए कोविड सुरक्षित हो गए हम लोग, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। लॉकडाउन एक व्यवस्था हो सकती है जिसमें हम रोक सकें कुछ चेन सिस्टम को, लेकिन फिर भी जो मरीजों का आंकड़ा है, जो वैक्सीन को बढ़ाने का है, आप बताइए महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी के कारण कई जगह वैक्सीनेशन बंद हो गया। अब मोदी जी कह रहे हैं टीका उत्सव मनाइए, और टीका उत्सव मनेगा कैसे जब टीका ही नहीं है? महाराष्ट्र में अधिकांश सेंटर्स खाली पड़े हुए हैं। बार बार यहाँ से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं है, फिर स्वास्थ्य मंत्री कुछ अपना उसको सफाई देते हैं। कुल मिलाकर ये है कि महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश हो, हमें जनता के सेहत के प्रति किसी तरह का कोई समझौता नहीं करना है, कोई राजनीति नहीं करना चाहिए। ये वो है, हम मानवीयता को बचाएं, मानव को बचाएं, यही एक ध्येय होना चाहिए।
बिल्कुल, टीका उत्सव, क्या टीका उत्सव भी लोग मना भी रहे हैं, लेकिन टीका लगने के बाद जो स्थिति है कोरोना की, लगने के बाद भी वायरस उनको अपने ऊपर अटैक कर रहा है। खैर, मैं जो है अभिजीत देशमुख जी की तरफ आना चाहूँगा। अभिजीत जी, एक कोरोना वायरस जो है देखा जाए तो एक अदृश्य दुश्मन इसको कहा जा सकता है, लेकिन दिक्कत यह है कि इस अदृश्य दुश्मन के असर को हम साफ साफ देख तो सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं, लेकिन स्थिति क्या है आप भी जानते हैं, वजह आप क्या मानते हैं? आप तो कोविड एडवाइजरी कमेटी के सदस्य भी हैं, मध्य प्रदेश की यथा स्थिति से आप भली भांति हमसे ज़्यादा अवगत हैं, आप उस यथा स्थिति को कैसे आप एक बार दो कुछ बताना चाहेंगे आप? जी, जो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अभी स्थिति बनी है उसके दो कारण हैं, मुख्य कारण। एक तो जिस तरह का जो स्ट्रेन है वायरस का, तो वो परिवारों को इन्फेक्ट कर रहा है, जितने भी करीब करीब लोग रहते हैं सबको इन्फेक्ट करता है और तेजी से करता है, इसलिए नंबर बढ़ रहा है। दूसरा, जो अपने आंकड़ों की बात चल रही थी, कहीं ना कहीं हम आंकड़ों में उनकी या तो मॉनिटरिंग, जैसे डेथ बेड्स या डेथ्स जितनी होती है उसके मॉनिटरिंग, वो सही में कोरोना से हुई है या किसी और से हुई है, ये मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। बेड्स, जो कोरोना बेड्स हैं हमारे प्रदेश में या शहर में, उसका हमारे पास एक पुख्ता डाटा होना चाहिए और रोज़ उसका रियल टाइम मॉनिटरिंग होने चाहिए, और उस बेड्स के बारे में मरीजों को बताना बहुत ज़रूरी है, हर एक घंटे दो घंटे में जो भी रियल टाइम स्टेटस पता होना चाहिए। तीसरी बात, जहाँ गड़बड़ हो रही है ऑक्सीजन की, हम बता रहे हैं ऑक्सीजन पर्याप्त है, पर उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम गड़बड़ है, इसलिए गड़बड़ है क्योंकि प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं है हमारे पलंगों की, बेड्स की मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। तो मेरा ये सुझाव है शासन को, प्रशासन को, कि हमें एक पुख्ता मॉनिटरिंग सिस्टम, डाटा सिस्टम बनाना होगा, जिससे कि लोगों को भी पता पड़े कि क्या स्थिति है, उसके अनुसार वो अपना इंतज़ाम कर पाएँ और प्रशासन भी इंतज़ाम कर पाए। तो मेरा ये एक छोटा सा सुझाव है, और मुझे लगता है कि जिस व्यवस्था में मॉनिटरिंग बहुत अच्छी होती है, उसी वही व्यवस्था पुख्ता होती है। जी बिल्कुल, समय की कुछ पाबंदी है, इसलिए मैं ये ज़रूर कहूँगा तीनों से कि बहुत, आप तीनों से बहुत महत्वपूर्ण बातें हमने दर्शकों तक पहुँचाई हैं, बहुत सी चीज़ें सामने आई, दर्शक उस पर अमल भी करेंगे। साथ में हमारा उद्देश्य भी ये नहीं है कि हम इस तरह की डिबेट करके सरकार की जो विफलताएँ हैं उससे हम लोगों को रूबरू कराएं, हमारा उद्देश्य ये भी है कि हम सरकार जो कर रही है वो हम लोगों तक बताते हैं, और हमारा उद्देश्य भी ये नहीं है, ना किसी दूसरे का ये उद्देश्य है कि अफवाहों में लोग जाएं। लोग समझदार हैं, समझते हैं, वो कहते हैं ना कि पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक सब समझ रही है, लेकिन अगर आपको कोरोना वायरस के अटैक से बचना है तो हम भी ये अपील करते हैं कि आप घर पर रहिए, या फिर आपको कहाँ रहना है, शमशान में रहना है तो सड़क पर रहिए, कृपया घर पर रहिए। और फिलहाल तीनों मेहमानों से चर्चा के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर अपने तीनों मेहमानों का बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। आगे भी इसी तरह की कुछ अच्छे मुद्दों के साथ हम अपनी पब्लिक को रूबरू कराएंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।